नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल विद डीबीएमआई को। दोस्तों, जो वीडियो आप देखते जा रहे हैं, ये मेरी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है। सुबह 6 बजे की क्लास है और हमारे साथ कुछ लोग ज्वाइन करने वाले हैं। 3 लोग हैं इस बैच में, जिनको मैं डीबीएमआई को प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा। आज की टॉपिक है फाइल एंड फोल्डर क्रिएशंस विद डीबीएमआई को प्रोग्रामिंग। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर कीजिएगा। साथ में हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई या फिर हमारे साथ आप लाइव क्लासेस सीखना चाहते हैं या फिर हमारी पेन ड्राइव को आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो मेरी वेबसाइट है iptindia.com, iptindia.com। तो जाहिद जी और रमेश जी ज्वाइन कर चुके हैं और जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे VBA का प्रोग्रामिंग। तो लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था वर्कशीट सॉरी वर्कबुक हैंडलिंग, कि किस तरीके से हम VBA को प्रोग्रामिंग के जरिए वर्कबुक क्रिएट करते हैं। तो क्या हमने कोड कंसेप्ट बताया था, किसी भी कोड को परफॉर्म करके उसको रन करके मैंने नहीं दिखाया था, क्योंकि मैंने जैसे आपको कोड एक्सप्लेन किया था कि वर्कबुक के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं, एक लाइव मैक्रो बनाने वाले हैं जिससे हमारा एक काम को इजी करेगा। तो क्या है काम, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। कुछ पूछे थे सर? ठीक है, और हम एक प्रोजेक्ट के बारे में जल्दी डिस्कस करते हैं। तो क्या है कि कुछ साल पहले मैं एक ऑफिस में काम करता था। उस ऑफिस में एक सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर से जब हम डेटा डाउनलोड करते थे तो हमें एक फाइल का पाथ देना होता था। मतलब कि वो फाइल क्या, वो फोल्डर क्या करता था कि एक्सेल फाइल में डेटा कॉपी पेस्ट कर देता था। नॉर्मली हम लोग डाउनलोड करते हैं तो एक्सेल फाइल ही डाउनलोड हो जाती है, ऐसा नहीं होता था। हमें पहले फाइल क्रिएट कर लेना होता था और जब हम डाउनलोड का बटन क्लिक कर देते तो उस फाइल को सिलेक्ट करना होता था, तब जाके डेटा उसके अंदर कॉपी पेस्ट करता था। मैं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ जय जी? तो जी सर, प्रॉब्लम क्या होती थी कि डेली बेसिस में हमें फाइल क्रिएट करने होते थे और फाइल को एक अरेंज फॉर्मेट में हमें रखना होता। ठीक है, जैसे कि 2019 अभी चल रहा है तो एक ड्राइव पहले चूज करते थे कि किस ड्राइव में हमारा डेटा रहेगा, क्योंकि वो डंप डेटा होता था तो एक फॉर्मेट में रखना ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके, वरना बहुत सारे लोग उस फाइल पे डेटा पे काम करते थे तो सब पूछ देंगे किधर फाइल रखा है, किधर फाइल रखा है, दिक्कत होती। तो एक शेयर ड्राइव होता था जिसको सबका एक्सेस होता था। जैसे मान लीजिए कि डी हमारा शेयर ड्राइव है, उस शेयर ड्राइव में हम जाते थे। अभी ईयर चल रहा है 2018 से, 2019 चल रहा है, तो 2019 का फोल्डर में हमें रखना है। अगर फोल्डर क्रिएट नहीं है तो क्रिएट करना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को हम कर रहे हैं तो 1 जनवरी को ईयर चेंज हुआ है ना सर, तो हमें फोल्डर बनाना पड़ेगा। फिर अभी महीना कौन सा चल रहा है, अभी महीना चल रहा है 7वां, तो मुझे 7वां फोल्डर बनाना पड़ेगा। छठा है, छठा उस फोल्डर के अंदर में डेट जो चल रहा है, जैसे आज 3 तारीख है तो थर्ड का फोल्डर बनाना पड़ेगा। उस थर्ड के फोल्डर के अंदर में फिर हमारा थर्ड नाम का फाइल होगा जिसमें डेटा डाउनलोड होगा या डाउनलोड करेगा सॉफ्टवेयर। तो हमें करना क्या है, हमें करना है कि सबसे पहले डी ड्राइव में जाए, एक माइक्रो क्रिएट करना है जो माइक्रो को रन करे। सबसे पहले डी ड्राइव में जाए और चेक करे कि 2019 का फोल्डर है या नहीं है। अगर 2019 का फोल्डर है तो ठीक है, नहीं है तो क्रिएट कर दे, क्योंकि एक ही बार क्रिएट होगी, एक नाम के दो फोल्डर नहीं हो सकते। इसलिए अगर पहले से क्रिएटेड है तो फिर उसी के अंदर जाए, फिर चेक करें कि 7 नाम का, मतलब जो भी मंथ है उस मंथ नाम का फोल्डर है
या नहीं है, है तो ठीक है, नहीं है तो क्रिएट करें। फिर उस मंथ के अंदर जाए और उस डेट का फोल्डर है तो ठीक है, नहीं है तो क्रिएट करें। और फिर उस डेट के फोल्डर के अंदर में जाएगा और उस डेट के नाम का फाइल क्रिएट करें। तो क्या करना है, प्रॉब्लम समझ में आ गया आप लोगों को? जी जी सर। हाँ, अब चलिए इसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या ना कि प्रॉब्लम को एनालाइज करना, मैंने पहले ही बताया था कि VBA में फर्स्ट एनालाइज द प्रॉब्लम, सेकेंड राइट द एल्गोरिथम एंड थर्ड इज द कोडिंग। हमने प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया, अब हम एल्गोरिथम, हम अपना एल्गोरिथम तैयार करते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम तैयार करना होगा। अब बोलोगे सर एल्गोरिथम जरूरी है? देखिए हम समझ चुके हैं तो एल्गोरिथम जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप एल्गोरिथम बना ले, हैबिट में रखे तो ठीक रहता है, क्योंकि ये स्टेप जो है छूटता नहीं है, समझ गए? इसलिए हम एल्गोरिथम बनाते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम एल्गोरिथम तैयार कर रहे हैं, पहले स्टार्ट और फर्स्ट गेट ईयर, यहां पे स्टोर ईयर और फाइल, हमें ईयर निकालना होगा 2019, ऐसे ही स्टोर मंथ ऑन एम स्टोर डे ऑन एम वाई सॉरी डी check and create 2000 y folder B. y slash m y slash m slash d। अब यहाँ पे मैं ईयर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें वो सब एल्गोरिथम में पता चलना चाहिए कि डायनेमिक है कि सिस्टम डेट से कनेक्ट होगा, इसलिए हमने यहाँ पे स्टोर किया है। सिस्टम ये क्या करेगा, सिस्टम डेट से डेट को लेगा, डेट मंथ डे को लेंगे पहले, फिर हम चेक करेंगे कि फोल्डर बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो हम उसकी कोड अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब फोल्डर क्रिएट हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्रिएट न्यू वर्कबुक और सेव इन डी स्लैश वाई स्लैश वाई एम स्लैश डी स्लैश d dot xlsx and close work। ये हमने एल्गोरिथम तैयार कर लिया, राइट सर? अब जब इस एल्गोरिथम को, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि ईयर मंथ और डे सिस्टम डेट से पिक करना है। कोडिंग करते हैं, प्लीज बैकग्राउंड शोर आ रहा है। समीर जी आप क्या आंसर है? यहाँ पे सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट का नाम सिटी है,
FLD। अब सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते कैसे निकालेंगे, अब अभी प्रॉब्लम आ गई कि ईयर कैसे निकालें, मंथ कैसे निकालें। तो आपके सिस्टम में, आपका जो सिस्टम है एक्सेल में, एक फॉर्मूला होता है डेट का, टुडे का। टुडे का फॉर्मूला क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट देता है, और फिर हम ईयर का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, तो सिर्फ ईयर को पिक करते हैं, और हम मंथ को फॉर्मूला लगाते हैं तो हम मंथ को पिक करते हैं, और हम डे का फॉर्मूला लगाते हैं तो डे का पिक करते हैं। ठीक है, तो वीवीए में कैसे करें, तो जो टुडे का फॉर्मूला है वीवीए में डे का फॉर्मूला बन गया है, बाकी ईयर मंथ डे वीवीए भी सपोर्ट करता है। तो कुछ ऐसे फॉर्मूला हैं एक्सेल के जो कि डायरेक्ट वीवीए में सपोर्ट करते हैं, और कुछ को फंक्शन लाइब्रेरी से कॉल करना पड़ता है। तो फंक्शन लाइब्रेरी से कॉल करने वाला तरीका हम बाद में देखेंगे, पहले हम डायरेक्ट को करते हैं। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं y इक्वल टू ईयर, और ईयर में हम देते हैं डेट, और डेट मतलब टुडे, जो एक्सेल में टुडे है वो हमारा वीवीए में डेट बन जाता है। तो डेट क्या करेगा, करेंट सिस्टम डेट को देगा, और ईयर क्या करेगा, उसमें से ईयर को पिक करके y पे स्टोर करेगा। अब y हमने क्यों लिया, क्योंकि ईयर एक फॉर्मूला है, इसको कहीं ना कहीं स्टोरेज लोकेशन तो चाहिए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया है ईयर का फॉर्मूला, वो एक सेल पे लगाया है ना, ईयर जो है वो एक सेल को रिजल्ट दे रहा है, और रिजल्ट एक सेल पे मतलब कि F4 पे स्टोर हो रहा है। तो यहां वीवीए में हम वाई नहीं वाई दिए हैं, तो वाई की जगह पे मैं यहाँ पे रेंज दे सकता हूँ कि रेंज A1। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर ऐसा कर दिया तो फिर ये डायनेमिक नहीं रहेगा, क्योंकि हमें रेंज A1 को हमेशा खाली रखना पड़ेगा। अगर रेंज A1 में पहले से कोई डेटा हुआ तो उसको रिप्लेस कर देगा, डिलीट कर देगा। So, यहाँ पे हम y ले लिए, तो y क्या है, जैसे अब मैथमेटिक्स में आप लोग x y z लेते हैं ना, क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ भी सेम है, तो y क्या हुआ कि ये एक टेम्परली सेविंग लोकेशन हो गया, मतलब कि y नाम का एक जब मैक्रो रनिंग रहेगा उस समय तक के लिए आपके सिस्टम में किसी एक डायमेंशन में y नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर देगा, एक स्टोरेज लोकेशन क्रिएट कर देगा जहां पे आपका ईयर स्टोर होगा। और इसी तरीके से हम मंथ कर देते हैं कि मंथ, और यहां पे हम दे देते हैं डेट, और यहां पे डी, और यहां पे दे देते हैं डे। तो हमारा मंथ ईयर मंथ डे क्रिएट हो गया। जाहिद जी, रमेश जी, कोई डाउट आपको? रमेश जी, कोई डाउट आपको? नहीं सर। सो हमने एल्गोरिथम का तीन लाइन को हमने कर दिया कि हमने चेक कर लिया ईयर मंथ डे। अब आता है चेक एंड क्रिएट फोल्डर, वाई फोल्डर इन डी, और यहाँ पे वाई की जगह पे एम कर देता हूँ, एम फोल्डर एंड डी फोल्डर। तो अब प्रॉब्लम है कि चेक कैसे करें, वो क्रिएट करने का यहाँ पे है एम के डी आई, यहाँ पे एम के डी आई आर मेक डायरेक्टिव नाम का एक कमांड है जो कि फोल्डर क्रिएट करता है, उसको पाथ देना होता है कि हमने पाथ दे दिया 2019 2019। तो जो सबसे लास्ट वाला पाथ होगा
वो क्रिएट कर रहे हैं, मतलब 2019 क्रिएट कर रहे हैं। सिलेक्ट कर दिया कि 6 7, तो 2019 के अंदर 7 करेगा, क्योंकि जो लास्ट वाला होता है ना वही क्रिएट करता है लास्ट वाला पाथ। बट प्रॉब्लम है कि कैसे पता चलेगा, तो होगा क्या कि अगर ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट होगा तो आपको एरर देगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसको रन करके बताता हूं, क्या है ना, फाइल पाथ एक्सेस एरर देगा। क्यों? क्योंकि 2019 नाम का अगर नहीं होगा तो एरर नहीं देगा। तो यहां पे एक कोड होता है कि ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। तो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट क्या करता है ये जान लीजिए। जिस कोड में एरर होगा, मान लीजिए कि इस कोड में अगर एरर है तो इस कोड को स्किप करके अगली लाइन को रन करेगा। तो यहाँ पे हम डायनेमिक करने के लिए 2019 तो ये है क्योंकि हमारा ईयर स्टोर तो वाई पे है, तो मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ वाई को। मतलब कि एक्सेल में हम लोग कॉन्कैटेनेट लगाते हैं ना कि इक्वल, आप मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा, यहाँ पे डी हो गया आपका डी ड्राइव, और इसके साथ हमने एन परसेंट लगा दिया, एन परसेंट में हमने 2019 को ले लिया, तो ज्वाइन लोग इस तरह से हो जाता है। तो सेम यहां भी आपका ज्वाइन होगा और ज्वाइन होके ईयर आ जाएगा। उसके बाद इसी कोड को हम कॉपी करते पेस्ट, और यहां एंड स्लैश देते हैं, और फिर यहां पे हम देते हैं एम, फिर कॉपी करते इसी को पेस्ट करते हैं, इसमें हम एन परसेंट देते हैं और यहां पे देते हैं डी। तो हमारा फोल ईयर का, मंथ का और डे का फोल्डर क्रिएट हो गया मिल जाएगी, और साथ में चेक भी होगा क्योंकि जिस कोड में एरर होगा उसको स्किप करके आगे बढ़ेगा, मतलब उस कोड में परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे ऑन यूज एरर रिज्यूम नेक्स्ट कर दिया है। तो इसके नीचे जो भी एरर होंगे उस एरर को कंसीडर नहीं करेगा, उसको स्किप कर देगा। क्लियर है सर, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, ठीक। चलिए अब बात आती है एल्गोरिथम पे, डॉट भी कर लिया, चेक क्रिएट एन फोल्डर, अब आता है क्रिएट न्यू वर्कबुक एंड स्टोर सेव इन द डी। तो दोनों काम इकट्ठा कर सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे वर्क, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एल्गोरिथम कर रहा है, बिल्कुल बताया था ना आपको कि वर्कबुक डॉट ऐड डॉट सेव हम कब करेंगे, जब मुझे पता हो कि मुझे वर्कबुक ऐड करके सेव कर देना। तो मैं एल्गोरिथम कर रहा है कि इसको तो यहां पे हम सेम कर रहे हैं वर्क बुक्स डॉट एड डॉट सेव एज। अब सेव एज किस लोकेशन में करना है, इस लोकेशन पे। और किस नाम से करना है, तो डी नाम से ही करना है। तो यहां पे मैंने लिख दिया, यहां पे लिख दिया डी, और एक्सटेंशन भी देना होगा तो डॉट एक्सएलएस एक्स का एक्सटेंशन दे दिया, और जो वर्कबुक ऐड हुई है वही आपका फ्रंट में एक्टिवेट होगी, हम उसको क्लोज कर देना है। तो यहां पे हम लिखते हैं एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, और फिर हम मैसेज बोल देते हैं MSG बॉक्स लगा देते हैं कंफर्मेशन के लिए कि फाइल एंड फोल्डर हैव क्रिएटेड, राइट सर। तो जाहिद जी एंड अमेर जी, कोड को देखिए, कोई कोड इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपके समझ से बाहर है?
जय जी। यस सर। मुझे ऐसा लग रहा है इस बार सर एक बार रिपीट करो। अब आपके सामने आप पढ़िए ना, देखिए ना किस कोड को समझ में आ रहा है आपको। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन इसी में है सर, कोलन कोलन कहाँ पे लगाना है और ये जैसे क्लोज ऐसा प्रॉब्लम है आपको, तो आप उसको yes, आप जो है पहले जो है उसको मैन्युअली लिख लीजिए, मैन्युअली ठीक है ना, कि मुझे मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ चाहिए, डी ड्राइव में 2019 में चाहिए ना सर। कमेंट हो जाएगा ये, हाँ कमेंट कर दिया, तो ये आपका डी ड्राइव में 2019 है। अब इसमें क्या है आपका, कि ये आपका है कि डी ड्राइव में 2019/07/07 जो भी है, तो यहाँ पे क्या है वाई हमारे 2019 है और ये हमारा M7 है। आप दोनों को ज्वाइन करेंगे तो मुझे स्लैश तो चाहिए ना सर जी। और सेम यहाँ पे ड्राइव में 2019/07/3 यहाँ पे M के साथ हम D मैच करेंगे, तीन को मैच कर, तीन हमें रखना है तो हम स्लैश के साथ रखेंगे ना सर, डैशमैन के साथ रखेंगे। एक ही दो सर। सर जैसे मंथ चेंज होगा तो ये अपने आप मतलब मंथ चेंज हो जाएगा। हाँ इसलिए तो हमने ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है ना, मंथ जो है M, मंथ इतनी से M कहाँ से आ रहा है, तो मंथ से मंथ फॉर्मूला और डेट कहाँ से मिल रहा है, डेट फॉर्मूला, और डेट को डेट कहाँ से मिलेगा आपके सिस्टम डेट से। ओके आपका सिस्टम डेट चेंज होगा तो ये डेट चेंज होगा, डेट चेंज होगा तो M पे मंथ चेंज करेगा फिगर को, मंथ फिगर चेंज करेगा तो M चेंज होगा, और जब M चेंज होगा आपके यहाँ फोल्डर चेंज होगा। ओके ठीक है, ओके वर्क इट आउट। सही था। और सर ये ब्रैकेट में जो डेट डाली है ये फॉर्मूला है, एक्सेल के फॉर्मूला है, वीवी का फॉर्मूला है सर। एक्सेल में जैसे जैसे हम लिखते हैं टुडे, हाँ तो टुडे जैसे एक्सेल लिखते हैं ना ऐसे यहाँ डेट हो जाता है, सिर्फ डेट लिख देंगे तो डेट। ओके ओके ठीक है। एजी गुड आउट। नहीं ठीक है सर। ठीक है मैं इसको परफॉर्म करें, रन करके देखे जी। चलिए इसको रन करके देखते हैं इसका इफेक्ट। तो यहाँ पे मैक्रोज और हमने इसको रन कर फाइल एंड फोल्डर क्रिएटेड, मैसेज आ गया मतलब कि सारे कोड वर्क कर गए। अब हम जाके चेक करते हैं अपना डेटाबेस, यहाँ हमारे पास डी ड्राइव में गए, 2000 फोल्डर है इसमें गए, 7 का फोल्डर नहीं था आ गया, 7 में 3 का फोल्डर आ गया, बट इसमें डेटा नहीं है। हमने कहीं पे गलती की है क्योंकि यहाँ पे देखिए 33 का डेटा आया हुआ है, मतलब कि हमने पास्ट में कुछ गलती की है। हमने यहाँ पे स्लैश नहीं लगाया हुआ है, मैं दोबारा इस कोड को मैं रन यहां से नहीं कर सकता हूँ, रन करता हूँ तो यहाँ पे अब देखिए डी के अंदर आ गया सर।
जी जी सर ठीक है। अब मैं अब ये कोड को जो कोड है इस कोड को मैं आप लोगों को मेल कर रहा हूं। अब इस कोड को आप पहले तो आप अपने डायरी में नोट कीजिएगा ठीक है जी सर। उसके बाद जो है उसको आप अपने सिस्टम पे अपने जैसे मैंने जो डी ड्राइव है आप ड्राइव चेंज कर दीजिएगा, आप सिस्टम पे करके देख लीजिएगा और कुछ भी और भी मॉडिफिकेशन करना हो तो आप करके आप उसको टेस्ट कर लीजिए। ओके दाई जी आपकी ईमेल आईडी क्या है सर? जेड खान 653 जेड खान सर आ गई आपकी ठीक है। मैंने आपको भेज दी ठीक है सर। हम कल मिलेंगे सेम टाइम जी सर। ओके ओके बाय ओके बाय।